बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा, क्लास 9th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, टॉपिक गैसियस स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में देखते हैं कि मैटर क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जो मास रखती है या वो जगह घेरती है, दैट इज़ नोन एज मैटर। ठीक है, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, मैटर 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, एक गैस की फॉर्म में, एक सॉलिड की फॉर्म में, एक लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोई भी मैटर होगा, या वो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रीथ, हम लोग जैसे सांस लेते हैं तो वो एयर हमारे अंदर जाती है, दैट इज़ एयर। ठीक है, गैस। इसके अलावा वाटर की बात करें जो हम लोग पीते हैं, फूड की बात करें, दैट इज़ सॉलिड। ठीक है, इसी तरह से कोई भी मैटर है, साइंटिफिक लिहाज से अगर हम स्टडी करें मैटर को, तो उसकी बहुत सी इसी तरह से 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, जो कि हमें अपनी वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल। ठीक है, ये तीनों स्टेट्स जो होती हैं ये इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी को लेते हैं, पानी को अगर हम फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉलिड। ठीक है, उसी को अगर हम लोग हीट देते हैं तो वो पहले क्या बन जाता है? लिक्विड। लिक्विड बनने के बाद वो इन द फॉर्म ऑफ गैस क्या हो जाता है, हमारी उधर से एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास, बॉयल हो जाता है, वहाँ से उड़ जाता है, अब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये थी तीनों स्टेट्स। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्दर आगे हम अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो हम कहते हैं द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब गैसियस स्टेट की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग गैस को हाईलाइट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम कहते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मतलब कि उनके दरमियान काफ़ी स्पेस पाई जाती है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में काफ़ी स्पेस पाई जाती है, तो उनके दरमियान काफ़ी सारी स्पेस होती है, तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये क्या होती हैं, गैसेज हैं। ठीक है, उनके दरमियान काफ़ी सारी स्पेस होती है, दिस इज़ वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जो होता है, एक तो दूर होता है, दूर होने की वजह से उनके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिक्विड को ले लें तो लिक्विड को प्रॉपर वे मिलता है तो वो मूव करता है, इसी तरह से अगर हम सॉलिड को ले लें तो सॉलिड मूव नहीं करता, इसी तरह से अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस क्या होती हैं, मूवेबल होती हैं और ईजीली एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। ठीक है, उन पर कोई एनर्जी वगैरह नहीं लगानी पड़ती। इसी तरह से हम कहते हैं कि ग्रेटर स्पीड के साथ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम कंटेनर में किसी गैस को रख दें तो कंटेनर की वॉल्स के साथ भी क्या होती हैं, उनकी जो कॉन्टीन्यूसली रगड़ खाती रहती हैं या अटैच होती रहती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक कोई वॉल्यूम नहीं होता गैसेस का, इनडेफिनेट शेप होती है, कोई ख़ास शेप नहीं होती। अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन कैसे होती है गैसेस में, इफ्यूजन कैसे होती है, प्रेशर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। अगर हम इसी तरह से डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में ये होता है, स्टार्ट हम डिफ्यूजन से ही ले लेते हैं। ठीक है, अब डिफ्यूजन द स्पॉन्टेनियस मिक्सचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फ्रॉम अ होमोजेनियस मिक्सचर बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन में अगर हम लोग बात करते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सचर, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली मीन दैट के बेसाख्ता तौर पे क्या हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं गैसेस। अब इसके अलावा नेक्स्ट बात की गई है होमोजीनियस मिक्सचर, जब डिफरेंट गैसेस आपस में मिक्सअप हो जाती हैं तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देती हैं। ठीक है, एक जैसा मिक्सचर बना देती हैं।
बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन, रैंडमली आपस में मूव करती हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक वे नहीं होता उनका मूव करने का, रैंडमली वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन की जो एग्ज़ाम्पल है वो कुछ इस तरह से है कि सेंट वगैरह या परफ्यूम वगैरह हम लोग अगर रूम की किसी एक कॉर्नर में भी स्प्रे करते हैं तो वो पूरे रूम में कुछ सेकंड्स के बाद पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये किसकी एग्जांपल हुई? डिफ्यूजन की एग्जांपल हुई। और डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। अब जिस एरिया में हम लोग स्प्रे करेंगे परफ्यूम की, तो वो वहाँ से मूव करेंगे और उस कंसंट्रेशन में जाएंगे जहाँ पे कंसंट्रेशन परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम थी और जहाँ हमने स्प्रे किया वहाँ पे ज़्यादा थी। वहाँ से ये क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं उस एरिया में जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन परफ्यूम के कम थी। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करना मॉलिक्यूल्स का, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे कि आपकी बुक में ये पिक्चर दिखाई गई है, इसमें परफ्यूम की बॉटल के ऊपर से जस्ट ढक्कन उठाया गया, उठाने के बाद इर्द गिर्द जो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं एयर में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स, तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जो हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में, जो भी गैसेस पाई जाती हैं वो होती हैं। और अगर हम परफ्यूम का ढक्कन खोलते हैं तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स भी आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं हमारी एयर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ इफ्यूजन। अब इफ्यूजन क्या होती है? इफ्यूजन ये होती है कि किसी भी स्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन विदाउट कोलिजन वन बाय वन जब गैस के मॉलिक्यूल्स थ्रू अ होल ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन इज कॉल्ड इफ्यूजन। ठीक है, एक होल के अंदर से अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्मॉल होल से वन बाय वन करके निकलते रहते हैं और हमारी एयर में स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है, इसकी एग्जांपल हम लोग एक टायर्स की ले सकते हैं। अब टायर के अंदर जब हवा भरी हुई होती है उसके अंदर कोई पंचर हो जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो होल बन जाता है। होल बनने के बाद क्या होती है, उसके अंदर से जो तमाम गैसेस होती हैं वो एक एक करके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स एक एक करके वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो थी हमारे पास इफ्यूजन। आपकी बुक में जो इफ्यूजन की डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, इफ्यूजन ऑफ ऑनियन स्मेल। ठीक है, ऑनियन को एक बैग में रैप कर लें, उससे एक सुराख कर लें, एक होल बना लें, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो जो ऑनियन की स्मेल है वो फैलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी डायग्राम में भी आपको इफ्यूजन ऑफ गैसेस दिखाई गई है। ठीक है, एक तरफ हायर कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, दूसरी तरफ लो है, और एक होल के मदद से क्या हो रही है, गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली गैस एक प्रेशर रखती है। अब प्रेशर की डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, फोर्स एग्जर्टेड बाय अ गैस ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंटेनर। ठीक है, इस कॉल्ड प्रेशर। अब गैस अगर हम बात करते हैं कि हम किसी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी चेयर पे करते हैं, किसी टेबल पे करते हैं, तो उस पे हम लोग सिर्फ उतना ही प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जितना कि हमारा हाथ का साइज़ होगा। ठीक है, हम अपने हाथ के साइज़ जितना प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, मगर एरिया कितना है, एरिया प्रेशर अप्लाई करने का एरिया सिर्फ उतना ही है जो हमारे हाथ के नीचे आया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फोर्स, वो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हम लोग हाथ से लगा रहे हैं, और एरिया जो है, एरिया उतना ही हम लोग कंसिडर करेंगे जो हमारे हाथ के नीचे एरिया आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि गैसेस में कैसे होता है, तो गैसेस में कुछ इस तरह से होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो कंटेनर के साथ प्रेशर कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, सो दैट इज़ द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स जो फोर्स अप्लाई करते हैं कंटेनर पे, तो इसी तरह से वो कंटेनर का वो जो एरिया होता है जहाँ पे उस मॉलिक्यूल ने हिट किया होता है, तो उस सब को मिला के हम उसको प्रेशर कह सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। ठीक है, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, यानी कि हम लोग जितने वॉल्यूम, जितना हम लोग प्रेशर अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस पे, उसका वॉल्यूम उतना ही चेंज होता जाएगा। अब गैसेस ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि गैसेस के दरमियान काफ़ी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, या हम कह सकते हैं उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं उसका वॉल्यूम डिक्रीज किया जा सकता है। अब कंप्रेस करते हैं, जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है तो वो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज़ मोबिलिटी, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देम। ठीक है, अब गैसेस क्या होती हैं, गैसेस मूव इजीली करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली गैसेस मूव कर सकती हैं, और हम कहते हैं कि विद द स्पीड, ठीक है, हाईली स्पीड के साथ, हाईली स्पीड के साथ क्या होती हैं, गैसेस मूव करती हैं। ठीक है, यानी कि उनको कोई खास स्पेसिफिक वे नहीं चाहिए होता कि उनको खास स्पेसिफिक वे मिलेगा तो वो वहाँ से मूव करेंगी, खास कोई भी स्पेसिफिक वे नहीं मिलता, और वो गैसेस मूव इजीली एक जगह से दूसरी जगह कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज़ डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, यानी कि डेंसिटी हम लोग कहते हैं, जैसे कि फार्मूला में हम देख रहे हैं कि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके वॉल्यूम के, गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट बिकॉज देयर आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि उनकी जो दरमियान स्पेसेस होती हैं वो वीक होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं विच इंक्रीजेस वॉल्यूम, ठीक है, क्या करती हैं, अब गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, मॉलिक्यूल्स एक से दूसरे, एक मॉलिक्यूल दूसरे से काफ़ी दूर होता है, तो इस तरह से वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो डेंसिटी ऑफ गैस की अगर हम बात करते हैं, ये डेंसिटी ऑफ गैस इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, सेम अमाउंट की हम लोग लिक्विड भी लें, सेम अमाउंट का सॉलिड भी लें, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, गैसेस की डेंसिटी लो होगी। ठीक है, अब गैसेस हैव द लो डेंसिटी देन द लिक्विड एंड सॉलिड, फॉर एग्जांपल द गैसियस ऑक्सीजन हैज़ द डेंसिटी, अगर इसी तरह से गैसेस की हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंट, अगर डेंसिटी हम लोग उसकी निकालना चाहते हैं तो उसका मास देखेंगे, उसका वॉल्यूम देखेंगे, इन दोनों चीज़ों को आपस में डिवाइड करेंगे तो वो उस चीज़ की डेंसिटी निकल आएगी, मगर डेंसिटी जो होती है गैसेस की, डेंसिटी क्या होती है, लो होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक लॉज ऑफ गैसेस है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।